तो उत्तराखंड में एक बार फिर से एक बड़ा घोटाला हुआ है, जहां पर उत्तराखंड का फर्जी रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है। एक बार फिर चर्चाओं में रजिस्ट्री घोटाला, जहां आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति अब जब्त होगी। साथ ही आपको बता दें कि संपत्ति के चिन्हांकरण की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार रजिस्ट्री घोटाला चर्चाओं में था और वही मुद्दा एक बार फिर से सामने आ चुका है, जहां पर फर्जी रजिस्ट्री घोटाला। और इस पर अब देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार की कार्रवाई यहां पर की जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से जो अर्जित की गई संपत्ति थी उसे भी जब्त किया जाएगा। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, फर्जी रजिस्ट्री का जो घोटाला है ये फिर से चर्चाओं में आया है, क्योंकि ताजा मामला फर्जी रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ा हुआ ये है कि अब जो इसके लिए एसआईटी टीम जो जांच कर रही थी, उसने तमाम आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, और 13 ऐसे आरोपी हैं जिनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, वो इस वक्त जेल में बंद है। लिहाजा इनकी जो संपत्ति है, अब इन पर जो पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई कर इनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इसमें देहरादून के नामी वकील हैं और कई अलग अलग जो राज्य हैं वहां के इसमें आरोपी हैं। और चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री के जैसे ही संज्ञान में आया था कुछ समय पहले, तो मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लिया, मौके का मुआयना किया, व्यवस्थाओं को बेहतर करने की अधिकारी को तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसके बाद फिर इसमें मुकदमे हुए और जांच पड़ताल शुरू हुई, एसआईटी टीम का गठन किया गया, और अब जो तमाम आरोपी इसमें है, जो मास्टरमाइंड है वो सहारनपुर के थे, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई है, और इसके अलावा कई ऐसे अभी भी रडार पर पुलिस की है जिन आरोपियों की पुलिस धरपकड़ कर रही है, एसआईटी धरपकड़ कर रही है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दूसरी तरफ जिन आरोपियों ने जो रजिस्ट्री है उसमें फर्जीवाड़े किए, और जब किसी व्यक्ति विशेष की जो रजिस्ट्री है उसमें नाम बदल करके दूसरे नाम चस्पा कर दिए गए और ये मामला पूरा का पूरा उजागर हुआ, तो अब इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, और इनकी जो भी जो अवैध रूप से संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उसको सरकार में नहीं किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा। तो जो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति है इसको जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कितने समय में एसआईटी पुलिस जो है वो इस पूरी की पूरी इन अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्ति को, कमाया गया संपत्ति को कब तक जब्त करेगी, और आगे कौन कौन लोग और इसी ग्रुप में आएंगे, और जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था, इस नेटवर्क को पूरी तरह से कब तक नेस्तनाबूद कर पाएगी पुलिस। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो ये कार्य प्रणाली है, अगर वो सही से कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं वो तमाम लोगों के लिए एक नज़ीर भी यहाँ पर साबित हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने लगातार उत्तराखंड में देखे हैं कि अतिक्रमण का मामला सामने आता है, फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आता है, जहाँ पर अब ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक नज़ीर बनती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। देखिए, ऐसे कई सारे आरोपी हैं जिन्होंने अवैध रूप से जो संपत्ति है उस पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इस पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पे है, और यही वजह है कि अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा और जो फर्जी रजिस्ट्री की जा रही है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि तमाम जो संपत्ति है उसको चिन्हीकरण करके उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और ये सूचना में सामने आ रहा है कि कई ऐसे आरोपी हैं और उनके पीछे किसका हाथ है, और कोई अधिकारी है जो इनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे तमाम सवाल है जिसकी जांच पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से की जाएगी। तो उत्तराखंड के